पुष्कर कॉरिडोर पर चल रही अफवाहों को लेकर आम जन के मन में आशंकाओं के बादल उमड़ने से बुधवार को स्थानीय व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान अल्पावधि के लिए बंद कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जताया। कॉरिडोर के विरोध में ब्रह्मा मंदिर से लेकर ब्रह्म चौक तक के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। व्यापारियों ने कॉरिडोर निर्माण पर चल रही अफवाहों के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी करते हुए ब्रह्मा मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकालकर अपनी बात प्रशासन के सामने रखी। व्यापारियों का जुलूस इस दौरान नगर पालिका कार्यालय भी रुका और चेयरमैन कमल पाठक को प्रस्तावित कॉरिडोर के विरोध में ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन पाठक ने ज्ञापन देने वाले प्रबुद्धजनों को आश्वस्त किया कि मंत्री प्रधानमंत्री तक संज्ञान में लाकर शहर का सुनियोजित विकास करवाया जाएगा। चेयरमैन के सकारात्मक रुख से कार्यालय कमल पाठक के नारों से गूंज उठा। इसके बाद जुलूस नगर पालिका कार्यालय से रवाना होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुँचा, जहाँ SDM निखिल कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही समीक्षा बैठक लेने पुष्कर पहुंचे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भी ज्ञापन सौंपा गया। व्यापार संघ के साथ ही कस्बे के आम नागरिक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञापन देकर कॉरिडोर का विरोध जताया। तीर्थगुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से भी ज्ञापन देकर तीर्थनगरी के प्रस्तावित कॉरिडोर की मुखालफत की। काबीना मंत्री ने SDM कार्यालय पर उपस्थित जुलूस को संबोधित करते हुए कहा कि कस्बे की विकास यात्रा में सबको साथ मिलकर चलना होगा। प्रस्तावित कॉरिडोर पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह करते हुए मंत्री रावत ने आश्वस्त किया कि सबसे चर्चा करके ही कॉरिडोर योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। आज ये जो विरोध चल रहा है, ये जो पुष्कर में कॉरिडोर बन रहा है, ये इसका विरोध है, क्योंकि पुष्कर जो तीर्थ नगरी है ये जल प्रधान तीर्थ नगरी है, ये मंदिर प्रधान तीर्थ नगरी नहीं है। जैसे ये उज्जैन के अयोध्या के माध्यम से जो पुष्कर में कॉरिडोर लाना चाह रहे, तो उज्जैन वो जो अयोध्या वो मूर्ति प्रधान तीर्थ है, ये जल प्रधान तीर्थ है। और इस कॉरिडोर से यहाँ हजारों घर हजारों दुकानें टूटेगी, हजारों लोग बेघर होंगे, उनके व्यापार से हानि पड़ेगी। तो हम सब लोग मिलके व्यापार संगठन सर्व प्रकार के समाज हर जाति समाज के वर्ग आज यहाँ मौजूद हुए हैं। तो हमने पालिका अध्यक्ष को यहाँ कॉरिडोर हटाने के लिए ज्ञापन दिया है और अब यह ज्ञापन SDM साहब को कलेक्टर साहब तक पहुँचा दिया जाएगा। हम सबका जनहित भावना का विरोध करते हैं हम कि कॉरिडोर ना बने और ऐसी व्यवस्था यहाँ रखे। फिर आज कपालेश्वर से ब्रह्म चौक तक बंद रखा गया है, क्योंकि यहीं मार्किंग करके पूरा जो एरिया है ध्वस्त करने के लिए कहा गया है। तो इसी विरोध में आज सब लोग ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया है। पालिका अध्यक्ष को हमने ज्ञापन दिया है, वह SDM साहब को ज्ञापन दिया है। हम ये सब मिलके आए हैं आज कॉरिडोर का विरोध करने के लिए, क्योंकि ये हमारी जन भावना है, पुष्करवासियों की एक भावना है कि पुष्कर का विकास हो, लेकिन किसी प्रकार से ये कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं। क्यों किसी भी प्रकार से हम जो बुलडोजर चलेगा उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हजारों परिवार बेघर होंगे, जिससे पुष्करवासी कहाँ जाएंगे। क्योंकि हमारे ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे पुष्कर का विनाश हो, विकास की जगह विनाश हो। तो हम ये चाहते हैं, हमने आज मांग रखी है कि पुष्कर की जो समस्या है इसके लिए, कॉरिडोर की समस्या के लिए एकल प्रस्ताव लेके आए नगर पालिका में और उसके लिए मीटिंग रखी जाए। उसके
मर्यादा बड़ी है, बड़ी है। कॉरिडोर को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है, कॉरिडोर का व्यापक स्तर पे विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कॉरिडोर निर्माण से लोगों के घर और दुकान जो है वो हटाई जाएगी, जिससे लोगों की रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा तथा बेघर हो जाएंगे। तथा पुष्कर छोटा गांव है, यहाँ मतलब कॉरिडोर कतई आवश्यकता नहीं है। हमने माननीय चेयरमैन साहब को और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उमेश जी रावत को भी हम ज्ञापन देंगे। वरिष्ठ वरिष्ठ भैया कॉरिडोर हटाओ, कॉरिडोर हटाओ, कॉरिडोर हटाओ, बने रहे और किसी को बेघर नहीं किया जाए, किसी की संपत्तियां नहीं जानी चाहिए, पेटों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी की जनता अयोध्या के अंदर हुआ वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये कॉरिडोर बनने लायक शहर नहीं है, ये छोटा सा टाउन है, 1 किलोमीटर इधर से इधर कहीं पे भी चले जाओ, 1 किलोमीटर में सब नाप लो और उसके अंदर कॉरिडोर बनाओगे तो पब्लिक जनता कहाँ जाएगी? अपने बच्चों को लेके इन्होंने चाहे जहाँ निशान लगा दिया, हमारी रातों की नींदें उड़ गई, रोटी अच्छी नहीं लगती, बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, बुढ़े बुढ़े माँ बापों को लेके कहाँ जाएंगे? हम क्या आत्मदाह करेंगे क्या? मानसिक संतुलन खो बैठे हम? हमारे सामने करो जो भी करना है, तुम्हारे को क्लियर क्या करना चाहते हो, और हमारे हमारे पेटों से मत खेलो, हमारी संपत्तियों से मत खेलो, बस। उसमें हम आपके साथ रोड लेकिन निश्चित रूप से जब कोई विकास की बात आती है तो इस तरह की अफवाहें चलती है, लेकिन मैं पुष्कर के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये विकास पुष्कर के लोगों के लिए, पुष्कर के लिए है। जो भी हम काम करेंगे इनको इनकी सहभागिता से करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा पुष्कर के लोगों को विश्वास में लेके बनाएंगे, उनको दिखा के बनाएंगे, और जैसा पुष्कर है उसको वैसा ही हमें सुंदर बनाना है। और अगर हमें कोई और भी डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, ब्रह्मा मंदिर के पीछे भी है, खरेगड़ी रोड पे भी है, मेला ग्राउंड भी है, तो वहाँ पे हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। अब क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, ये चलता रहता है, फैलाने भी चाहिए क्योंकि उनका काम है, लेकिन हमारा काम सिर्फ और हमारा उद्देश्य सिर्फ तिरुदरा पुष्कर के विकास की है। हम विकास करेंगे और अब किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई कि लोग हमारी दुकानें तोड़ देंगे, हमारा रत्ता चौड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसा है उसी को हम सुंदर बना के, और भी हमको नया प्रोजेक्ट होगा और जो भी अमेंडमेंट करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा हमारा तिरुतरा पुष्कर के लोगों के हित में होगा। हम चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारे पुरोहित संघ के लोग हो, चाहे हमारे यहाँ के व्यापारी हो, चाहे आमजन हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम सबके साथ बैठेंगे, सबको अपना प्रोजेक्ट बताएंगे, उनके सुझाव लेंगे, उनके सुझाव के अनुसार ही हम काम करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब तक लोगों की जनसभ्यता से ना बने तब तक वो समय पूरा नहीं होता। हमारा उद्देश्य है कि हम तिरुतरा पुष्कर को सर्वांगीण विकास बनाएं। कॉरिडोर तो सिर्फ क्योंकि पुराने कॉरिडोर बने इसलिए कॉरिडोर का नाम इन्होंने हम रख रहे हैं। कॉरिडोर सिर्फ रास्ते से ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी विकास में उसमें सम्मिलित है। अभी तो हमारा प्रारंभिक स्टेज है, हम पूरा रूप से बनाएंगे। समय समय तिरुतरा पुष्कर के लोगों का इसमें सहयोग लेंगे, हम सब लोग मिलकर तिरुतरा पुष्कर भव्य बने, दिव्य बने, इसमें हम काम करेंगे। सरकार ने जो 40 शहरों को चयनित किया उसमें पुष्कर का भी देखिए, मैं माननीय भजनलाल जी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार पुष्कर में दोबारा आ गए। उनकी पुष्कर के प्रति आस्था है,
धृतराज पुष्कर पे पूरा उनका स्नेह है, हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ धृतराज पुष्कर की जनता की तरफ से कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में धृतराज पुष्कर को लिया और आने वाले समय के अंदर धृतराज पुष्कर के अंदर कैसे सुविधा डेवलप हो, हम छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए हम चरणबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। और धृतराज पुष्कर की नगरपालिका है क्योंकि सारा विकास का काम इन्हीं के माध्यम से होता है, तो इनकी सेल्फ इनकम जनरेट कैसे हो इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमें अधिकारियों को और युवकों को इनको निर्देश दिया है कि आप ऐसा प्लान तैयार करिए जिससे हमारे नगरपालिका पुष्कर की जो सेल्फ इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिससे कि निरंतर हमारे विकास के काम प्रगति और अग्रसर रहे। ठीक है।